हैं क्या चुटकियों में धुआं बंद कर देंगे? धुआं बंद कर सकते हैं। फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजुली, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अभी हम काफी तेजी से एक रील्स वीडियो देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है साइलेंसर के अंदर ये जो हार्पिक दे रहा है ना, जो एक बाथरूम क्लीनर आता है, टॉयलेट क्लीनर के लिए हार्पिक आता है, या फिर इंजन के ऊपर भी थोड़ा बहुत पीला लगे तो उसको आप हार्पिक से नॉर्मली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हार्पिक के अंदर काफी केमिकल दिया जाता है, जिसके वजह से अगर इंजन या फिर मेटल वाले पार्ट पर यूज करेंगे जिसका पॉलिश भी खराब हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक हार्पिक के अंदर एक एसिड होता है, एसिड जेल होता है, जिससे वो दाग वाग को रिमूव कर देता है। बट दाग को रिमूव करता है लेकिन दाग भी लाता है। अगर मेटल पर यूज करेंगे इससे काफी नुकसान ही नुकसान है, कहीं भी बेनिफिट नहीं। अगर टैंक पर डालेंगे तो टैंक का कलर डिसकलर करता है। साइलेंसर के अंदर डालेंगे तो साइलेंसर के अंदर चादरा लगा ना, चादरा का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। साइलेंसर आपका जो चलेगा 4 साल 5 साल 10 साल से जस्ट साइलेंसर वो खराब हो जाएगा 1 ईयर में, क्योंकि जैसे ही एसी डालेंगे तो चादरा का क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। साइलेंसर का जो चादरा लगा उसके अंदर फिल्टर सब लगा सभी खराब हो जाएगा, जिसके वजह से कुछ दिन के बाद आप लोग के बाइक में झरझर पटपट का साउंड आने लगा साइलेंसर से, झरझर झरझर उसका फिल्टर उल्टा टूटने लगा। इससे पहले आपको थोड़ा हम रील्स दिखला रहे, थोड़ा नजदीक से दिखलाओ लिखा लिखा क्या चुटकियों में धुआं बंद कर देंगे? धुआं बंद कर सकते हैं, ये हम बताए दावा के साथ कह रहे हैं। हाँ। चुटकियों में धुआं बंद कर सकते हैं, चुटकियों में धुआं कैसे बंद कर सकते हैं? हम बताएंगे, ऐसा जुगाड़ हमारे पास है, ऐसी टेक्निक हमारे पास है। हाँ। मात्र 2 मिनट में हाँ। आप धुआं गाड़ी का तुरंत बंद कर सकते, मतलब गाड़ी धुआं दे रही हो, गाड़ी जितनी भी पुरानी बाइक हो आपके पास, जितनी भी पुरानी बाइक हो आपके पास, जो राजदूत होती थी पहले जमाने में, इंजन खुलवाते हैं धुआं देने लगती है, 3,000-4,000 का नुकसान करते हैं, फायदा नहीं होता, फायदा होता है नुकसान करवा देते हैं, पैसे का नुकसान करवाते हैं। और पैसे आपको बचाना है क्योंकि महंगाई चल रही है, आप लोगों को पैसे बचाना है, पैसे बचाना है ऐसे। बस जितना आप यूज करेंगे इसके अंदर उतना ही फायदा होगा, मतलब धुआं ये कचरा जितना भी साइलेंसर में होगा वो सारा कचरा साफ कर देगा, सारा कचरा जो होता है साफ कर देगा और धुआं भी देना बंद हो जाएगी गाड़ी। हम दिखाएंगे चला करके, आप देख सकते हैं इसको चलाएंगे, चलाओ भाई, बिल्कुल हमारी गाड़ी धुआं देना बंद कर देगी। तो आप देख लिए कि किस तरह से एक भाई साहब बतला रहे हैं, महानुभाव भाई साहब, कि जस्ट साइलेंसर में ये हार्पिक डालिए बाइक धुआं देना बंद हो जाएगा। आप देख लिए, जबकि वो बाइक पहले से धुआं दे नहीं रहा था, कितना भी स्टार्ट करके थ्रोटल दे रहा था धुआं दे नहीं देता, साइलेंसर में मोबिल डाल दिया, उंगली में मोबिल लग गया, धुआं देकर दिखला दिया, हार्पिक डाला, कुछ देर में भाई धुआं दिया, फिर एग्जॉस्ट साइलेंसर में का जो इंजन ऑयल था मोबिल वो जला, धुआं प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि उस बाइक का रिंग पिस्टन खराब नहीं था। अगर आपके बाइक का रिंग पिस्टन चटक जाएगा, रिंग पिस्टन खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, उसमें आप घी, मलीदा, खोवा या हार्पिक डाल दीजिए तो भी धुआं प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला ना है। जैसे कि इस बाइक को अभी स्टार्ट करके आपको दिखला रहे और ये बाइक व्हाइट स्मोक कर रहा है, धुआं दे रहा है, देखिए बाइक यहाँ पे किस तरह से धुआं दे रहा है। सर से कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है, व्हाइट स्मोक निकल रहा है। और इस साइलेंसर में भी हम ये हार्पिक जो है ना, हार्पिक यहाँ से कितना भी इसके अंदर भार देंगे, थ्रोटल देंगे, तो साइलेंसर के अंदर कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ही होगा, नुकसान ही होगा, कभी आपको सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि खराब है बाइक का इंजन, धुआं दे रहा साइलेंसर, जो भी हमारा रिंग पिस्टन घिसता है पिस्टन होकर के इंजन ऑयल जो है हेड के पास चला जाता है, यानी पिस्टन होकर के इंजन ऑयल पिस्टन के ऊपर चला जाता है, फिर जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो जला हुआ इंजन ऑयल वो साइलेंसर होकर के बाहर आने लगता है। तो बाइक का प्रॉब्लम कहाँ है, इंजन के अंदर, और साइलेंसर में डाल क्या रहा है, हार्पिक। साइलेंसर में कितना भी हार्पिक डाल देंगे तो भी धुआं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है इंजन में, भाई रिपेयर कर रहा है साइलेंसर का, अगर इंजन के अंदर ये हार्पिक डालेंगे तो धुआं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट ये बिल्कुल गलत है, भाई फेक है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट पे आप लोग नहीं जाइए। लाइक देखे थे, लाइक दबा के दे रहा है भाई, एक बार आप लोग भी सोचिए कि प्रॉब्लम है इंजन में, इलाज कर रहा है इसका पेट का, सर दर्द कर रहा है, माथा नहीं, लाट चल रहा है पेट का, भाई कभी माथा प्रॉब्लम सोल्व होगा नहीं, वही कंडीशन है। इंजन अगर आपका खराब हो गया, धुआं दे रहा है, भाई तो इंजन का काम करवाए, रिंग पिस्टन का काम करवाए, आप चाहे तो बजट कम है तो ब्लॉक बोर करवा लीजिए, बजट ज्यादा है तो ब्लॉक रिप्लेस करवा लीजिए, इससे भी कम बजट है तो नॉर्मल आप रिंग चेंज करके धुआं प्रॉब्लम सोल्व कर। लेकिन इस तरह के धोखाधड़ी या बा के पीछे आप लोग ना ही जाइए, मैं आप लोग यही कहूंगा। उसके साथ साथ अगर ये हार्पिक हम साइलेंसर के अंदर डाल देंगे
कुछ देर रहेगा साइलेंसर के अंदर, साइलेंसर का चादरा का क्वालिटी डाउन हो जाएगा, इसका मेटल घिस घुस जाएगा, अंदर से दग्गी वग्गी आ जाएगा। जैसे इस निखिल पे हार्पिक डालेंगे, इस निखिल का जो भी पॉलिश है टोटल बाहर निकल जाएगा, साइलेंसर का अंदर जो भी कचरा वचरा होगा निकलने की वजह साइलेंसर और आपका खराब हो जाएगा, भट भुट पुर 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 का साउंड आने लगा साइलेंसर से। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट के पीछे आप लोग ने जो एक्चुअल है जो नेचुरल है उसके लिए आपको इंजन का ही काम को भाई बड़ा बड़ा कंपनी है जो लाख दो लाख रुपया लगा के जो बाइक निकालता है, इंजीनियर से बैठा है वहां पे, वो वहां पे घास नहीं ना काट रहा है भाई, वहां पे घास नहीं काट रहा, जो पढ़ लिख के वहां बैठा है वो घास नहीं काट रहा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई। अब इंजन के अंदर रिंग पिस्टन घिसा डाल रहा है, साइलेंसर के अंदर हार्पिक, तो आप बताए धुआं सॉल्व होगा? आप लोग फटाफट से एक बार हमें कमेंट करके बताइए, ये फेक वीडियो है, बिल्कुल फेक है, बिल्कुल आप बात ऐसे धोखाधारी में नहीं जाइए। मान लीजिए ठीक है बाइक धुआं रहा है, अभी इस बाइक का एग्जॉस्ट साइलेंसर ओपन करके स्टार्ट करके आप लोग को दिखलाएंगे बाइक किस तरह से। देखिए बाइक का एग्जॉस्ट साइलेंसर हम यहाँ पे कर ले ओपन, ये रहा बाइक का एग्जॉस्ट साइलेंसर। अब चलिए बाइक को हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को थोड़ा साउंड आप लोगों को दिखला रहा है किस तरह से धुआं दे रहा है। देखिए बाइक को स्टार्ट कर लिए, अब देखिए साइलेंसर खोलने के बाद भी बाइक को हम स्टार्ट किया तो बाइक धुआं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइक का जो हेड के अंदर, ये होगा बाइक का हेड, ये होगा बाइक का ब्लॉक, तो ब्लॉक के अंदर जो रिंग पिस्टन लगा है वो घिस गया होगा, चटक गया होगा, या फिर हेड के अंदर भी गैट में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा जिसकी वजह से बाइक व्हाइट स्मोक कर देने लगता है, या फिर बल्ब सील कर जाएगा तो भी व्हाइट स्मोक है, लेकिन ज्यादातर बाइक जो धुआं देता है व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम आता है। बाइक है या फिर स्कूटर या फिर स्कूटी है, उन सब बाइक में रिंग कटने की वजह से यानी कि रिंग पिस्टन खराब होने की वजह से बाइक व्हाइट स्मोक करता है, धुआं देता है। तो अभी चलिए फटाफट से इंजन को ओपन करते हैं और आप लोग दिखला रहे हैं कि कौन सा पार्ट घिस गया जिसके वजह से धुआं दे रहा है। 1 लाख का बाइक आपको 1000 में कबार में बेचना पड़ेगा अगर हार्पिक आप डाल रहे हैं बाइक के अंदर। तो देखिए बाइक से हम यहाँ पे हेड ब्लॉक को ओपन कर लिए, रिंग पिस्टन सब ओपन कर लिए और ये है बाइक का पिस्टन, जो कि देखिए पिस्टन के ऊपर कितना ज्यादा ब्लैक ब्लैक कार्बन जमा है जो कि बाइक का इंजन ऑयल को रोकने का काम यही करता है, यहीं से इंजन ऑयल बाइक में रुकता है, धुआं का प्रॉब्लम यहीं से शॉर्ट आउट होता है। ये दो जो हो गया ना ऊपर वाले दो कंप्रेसर रिंग है, टोटल इसके अंदर 3 ऑयल रिंग है, एक अपर एक लोअर एक ऑयल एक्सपेंडल रिंग रहता है और यही ऑयल रिंग कटने की वजह से बाइक जो है देने लगता है व्हाइट स्मोक। देखिए यही ऑयल रिंग कटने की वजह से बाइक व्हाइट स्मोक देने लगती है एंड बाइक का देखिए रिंग बिना इंजन ऑयल का बाइक चलाते पिस्टन उस्टन सब इसका चटक गया है, खराब हो गया, घिस पिस गया है, आप देख रहे घिस गया है पिस्टन सब। और उसके साथ साथ हेड का आप यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, हेड के अंदर कितना ज्यादा कार्बन भरा पड़ा है, ये सब कार्बन वो जम गया जो बाइक व्हाइट स्मोक दे रहा था, धुआं दे रहा था, जो इंजन ऑयल जो जला है ना वही कार्बन यहाँ पे जम गया साथ साथ पिस्टन के ऊपर जम गया। तो कभी भी रिंग पिस्टन डैमेज रहा तो इंजन के अंदर या फिर साइलेंसर के अंदर पेट्रोल हार्पिक घी मलिदा खोआ डाल के सोचिएगा कि इंजन का व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम तत्काल सोल्व करने के लिए आपके बाइक में टोटल 5 रिंग आ जाता है, 1-2 ऑयल रिंग, 1 ऑयल एक्सपेंडल, 2 कंप्रेसर रिंग, रिंग असेंबल आप रिप्लेस कीजिए तो तत्काल व्हाइट स्मोक बंद हो जाएगा। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो ब्लॉक बोर करवा लीजिए, उससे अगर बजट ज्यादा है तो उस टाइम आप ब्लॉक असेंबल रिप्लेस करवा लीजिए। नॉर्मल आप तत्काल कुछ दिन चलाना चाहते हैं ब्लैक व्हाइट स्मोक दे रहा है धुआं दे रहा है बाइक, तो आप तत्काल रिंग चेंज करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट जो एक्सपेरिमेंट उस रील्स वीडियो के अंदर दिखलाया कि साइलेंसर के अंदर हार्पिक डाले तो धुआं प्रॉब्लम सोल्व हो, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही साइलेंसर में हार्पिक जाएगा फिर आपका साइलेंसर खराब हो जाएगा, बाइक खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मोटा रकम लगेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर एक बार बताइए और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो हे गाइस, देखिए इस बाइक का हाफ इंजन जो हम ओपन किए थे इसका खराब वाले भाई के पास से हमने ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बोर करवा दिए जो कि क्रॉस बोरिंग करा, आप देख लीजिए बोर किस तरह से करवाए हम। कभी भी आप लोग प्रोन बोर नहीं करें, क्रॉस बोर करें। क्रॉस बोर कराने से क्या होता है ये स्प्रिंग की तरह देख रहे टेढ़ा मेरा रहता है, क्रॉस बोर करवाने से ये भी बेनिफिट मिला है कि आपको ब्लॉक बोर लंबा समय तक मिलेगा। जेनुअन में भी क्रॉस बोर ही आते हैं, कंपनी से जिस टाइम नया ब्लॉक लीजिएगा ना उस टाइम आपको देखिएगा इसी तरह का ब्लॉक बोर देखने को मिलेगा। क्रॉस बोर हमने करवा लिए और ये रहा बाइक का 25 नंबर का पिस्टन। और काफी रील्स वीडियो आप देखे हो कि बोलता है कि हार्पिक डाल के तो पेट्रोल डाल के तो डीजल डाल के व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सोल्व होता, ऐसा नहीं है। मान लीजिए पुराना वाला जो रिंग पिस्टन घिस गया था तो हमने इस बाइक में देखिए नया पिस्टन डाल के खराद वाले बाइक के पास से ब्लॉक बोर करा जिसमें आपको पिस्टन मिल जाता है, पिस्टन के साथ साथ आपको पास रिंग है जो कि 25 नंबर का 0.25 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके साथ साथ ये रहा पिस्टन, उसके साथ ये है गजल पिन और ये है 2 लॉक, दोनों आप यहाँ पे देख रहे हैं असेंबल है जो कि हीरो का जेनुअन हमने पिस्टन डाल के ब्लॉक बोर कराए ग्लैम्बर बाइक में और जिसका प्राइस 681 रुपया है
और ऊपर में पार्ट नंबर मिले ये लिखा है सुपर स्प्लेंडर 25 ये लिख देता है ताकि कोड से पता नहीं रहता, लेकिन बाइक का नाम लिखा रहता है बहुत जल्द ढूंढने में मिल जाता है। और कभी भी आप लोग इंजन का काम करवाते हैं और ब्लॉक बोर करवाते हैं तो क्रॉस बोर कराइए, प्लेन बोर करवा के ब्लॉक बोर बिल्कुल भी नहीं, क्रॉस बोर रहेगा तो काफी लंबा समय तक चले। काफी मैकेनिक भाई लोग को देखते हैं ग्लैमर बाइक का बोलता है कि बोर फेल कर जाता है, बोर फेल कर जाता है, ब्लॉक फेल कर जाता है, तो सिटी 100 का पिस्टन डाल के बोर करवा देता है। इन दोनों पिस्टन में क्या डिफरेंट है इस पे आपको वीडियो चाहिए एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। बट कभी भी आप लोग का बाइक वाइट स्मोक करे, धुआं दे, तो आप डीजल पेट्रोल मोबिल हार्पिक वार्पिक के चक्कर में नहीं जाए, जल्द से जल्द आप मैकेनिक से संपर्क कीजिए और जितना जल्दी हो सके इंजन का काम करवाए। आपके पास बजट ज्यादा है तो ब्लॉक असेंबल रिप्लेस कीजिए, बजट कम है तो ब्लॉक बोर कराइए। उसके साथ साथ हमने हेड का काम करवाया तो दोनों का दोनों बल्ब नया डाल के हेड का काम करवाया है। इस बाइक का भी देखिए ये क्रैंक असेंबल परफेक्ट सही है, देखिए बाइक का जो क्रैंक है ना बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, क्रैंक में ना साउंड था ना ही कुछ था, तो क्रैंक का भी काम करना नहीं, क्रैंक का काम होगा तो बाइक का फुल इंजन का काम होगा। अब आप लोगों को पता चल गया कि बाइक का धुआं जो है कहाँ से देता है, यानी बाइक धुआं देते रहता है तो मेन रिंग पिस्टन डैमेज होने की वजह से, खराब होने की वजह से बाइक धुआं देते रहता है। और आप लोगों को बोलता है कि हार्पिक डीजल मोबिल पेट्रोल घी मलिदा खुआ डाल के प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तांबर बाइक में कैसे रिंग इंस्टॉल किया जाएगा, हाफ इंजन बनाने में कितना बजट आएगा, इन सब पे हमने डीपली वीडियो बना रखा है जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो का आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।